दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी व्यक्ति संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 उत्तर प्रदेश, इसके अलावा केवीएस के टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। साथ ही हम बात करने वाले 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। तो एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि केवीएस की तरफ से टीजीटी पीजीटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। कुल पदों की संख्या आप सभी के बीच 13,000 देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी, जिसको लेकर विज्ञापन पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इसकी परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी, और साथ ही जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के साथ में केवीएस की टीजीटी पीजीटी परीक्षा होने वाली है, उसमें से कौन सी परीक्षा पहले होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे आप में से जो कि टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश में तो आवेदन कर ही चुके हैं, लेकिन केवीएस के अंदर भी आवेदन करेंगे। तो दोनों के लिए किस प्रकार यहाँ से प्रिपरेशन की जाए और कौन सी परीक्षा पहले होगी, उसी को यहाँ से टारगेट बनाया जाए। तो इन सवालों को लेकर जितने भी आपके मन में क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर कर दूंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन तो पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में जब सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई तो आपकी परीक्षा काफ़ी लंबे समय तक खिंच गई। लेकिन वर्तमान में चयन बोर्ड के माध्यम से यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को करवाए जाने के लिए आए दिन काम किए जा रहे हैं, और जो भी काम यहाँ से हो सकते हैं अधिकारियों के माध्यम से उनको संपन्न करवाया जा रहा है। भले ही अभी चयन बोर्ड के अंदर सदस्य नहीं आए, कब तक सदस्यों की नियुक्ति होगी इसको लेकर 2 दिसंबर को एक सुनवाई भी होने वाली है, और उसमें चयन बोर्ड के माध्यम से लिखित में जवाब दाखिल किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चयन बोर्ड पिछले 4 महीनों से कोई काम नहीं कर रहा था अब वो काम नहीं कर रहा है। अब उनके माध्यम से टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं, बल्कि परीक्षा की तैयारी भी की जा रही है। तो यहाँ पे जिन छात्रों के मन में ये सवाल है कि उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी परीक्षा पहले होने वाली है या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर केवीएस, तो मैं आप सभी को बिल्कुल क्लियर कर देने वाला हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो होगी उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी परीक्षा, जिसको लेकर केवीएस की परीक्षा की तारीखें आने से पहले ही यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो नोटिस है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश, इसके अलावा केवीएस के अंदर आवेदन करने वाले हैं और इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि पहले परीक्षा कौन सी होने वाली है, तो आज इस बात को आप नोट कर लें कि उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी परीक्षा आपको पहले देखने के लिए मिलेगी, और उसके बाद में होगी केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से टीजीटी पीजीटी या फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा। लेकिन अगर बात की जाए कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलने वाली है, तो इसके बारे में भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि चयन बोर्ड के माध्यम से तो लगातार परीक्षाओं की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन सदस्य न होने के चलते ये काम थोड़ा सा धीमा है। अगर चयन बोर्ड के पास में सदस्य आ जाएं तो इस परीक्षा को बड़ी आसानी से वो यहाँ पे फरवरी के अंदर करवा लेंगे। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए चयन बोर्ड के माध्यम से उनके पास सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो परीक्षा की तारीखों को लेकर काम कर रहे हैं, और चयन बोर्ड के अधिकारियों की माने तो उनका दावा यही है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा की संभावित तारीखें देखने के लिए मिल सकती हैं वो आप सभी के सामने फरवरी में ही होंगी। लगभग अभी तक जो मैंने आपको पहले बताया था उसी के आधार पर चयन बोर्ड के माध्यम से फिर से जानकारी दी गई है कि 15 फरवरी के आसपास कभी भी हम परीक्षा को करवाए जाने के लिए चयन बोर्ड पूरे तरीके से तैयार है, और अगर ऐसे में सदस्य आ जाते हैं तो ये काम और भी जल्दी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। तो टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट है जो यहाँ से लगातार तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी जानकारी देखने के लिए मिली थी, बहुत लोगों ने फेक जानकारियाँ दी थी कि जून जुलाई अगस्त में परीक्षा होगी, मैंने आपको कहा भी था कि अभी जून जुलाई अगस्त वाला समय नहीं आया है, अभी समय आप सभी के लिए वही है
पहले मैंने आपको जानकारी भी दी थी कि फरवरी के अंदर परीक्षाएं हो सकती हैं। अब चयन बोर्ड के माध्यम से भी दावा किया जा रहा है और वो चाहते हैं कि फरवरी के अंदर इस परीक्षा को करवा लिया जाए। जो भी काम हो सकते हैं चयन बोर्ड के माध्यम से किए जा रहे हैं, अगर सदस्य आ जाते हैं तो ये काम आप सभी को और भी जल्द देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन परीक्षा की तारीखों के लिए चयन बोर्ड फरवरी में कराए जाने के लिए अभी भी तैयारी लगातार कर रहा है और ये आप सभी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है कि आप ये सोच करके बैठें कि अभी टीजीटी पीजीटी को लेकर काम नहीं हो रहा है और परीक्षा में समय लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 51,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा था कि अभ्यर्थियों के माध्यम से हाल ही में ट्विटर वाले जब किए गए थे तो सरकार के माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई। उसके बाद आप सभी के सामने दिखा कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने वाली है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार ने पहले भी बताया था कि हमारे पास 51,112 पद खाली हैं। सरकार ने विधानसभा के अंदर एक सवाल का जवाब देते हुए जानकारी दी कि हमारे पास 63,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। अब सवाल ये है कि इन पदों पर भर्ती कब तक देखने के लिए मिलेगी। बहुत सारी जानकारी अधिकारियों के माध्यम से हाल ही में दी गई है। अधिकारी जानकारी सही भी देते हैं, गलत भी देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अधिकारी गलत हैं। गलत कहीं ना कहीं सरकार है, क्योंकि सरकार की तरफ से जब तक अनुमति नहीं मिलेगी अधिकारी अपनी तरफ से किसी भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं, खासकर बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं कि अधिकारियों के माध्यम से अगर कोई जानकारी दी जा रही है कि भर्ती को लेकर जहाँ से तैयारियां की जा रही हैं तो वो गलत है, क्योंकि अधिकारियों का काम सिर्फ उनके आदेशों को फॉलो करना है। आदेश देने वाला कौन है? मुख्यमंत्री योगी। बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर जो भी नियुक्तियाँ होती हैं वो CM योगी के अंडर में आपको देखने के लिए मिलती हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में 51,112 पदों के लिए भर्ती के विज्ञापन के बारे में जब बात आती है तो इसके बारे में अधिकारियों के माध्यम से जानकारी दी गई कि 51,111 पदों के लिए आगामी 2023 के वर्ष में आप सभी को भर्ती देखने के लिए मिलेगी। इस साल तो ये वैकेंसी नहीं आने वाली है, लेकिन अगर इस बात की जाए भर्ती के बारे में कब तक देखने के लिए मिलने वाली है तो UPTET होने के बाद ही 51,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल ये था कि हम 51,000 शिक्षक भर्ती को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर भर्ती नहीं आती है, क्योंकि पिछले 4 सालों से भी ऐसी जानकारियाँ देखने के लिए मिली थी, तो ये समय और वो समय बिल्कुल अलग था। यहाँ पर दो चीज़ें आप सभी के सामने, क्योंकि लगभग सभी विभागों के अंदर भर्तियाँ आ चुकी हैं। लोकसभा चुनाव एक बड़े चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आप जानते हैं कि सबसे बड़ा कहीं ना कहीं राज्य साबित होगा लोकसभा चुनाव के लिए। तो यहाँ से बड़ी संख्या में वोट बैंक भी देखने के लिए मिलता है और ज़्यादातर जो कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 20 से 22 लाख है, क्योंकि UPTET के अंदर 20-20 लाख आवेदन पड़ते हैं। तो क्या सरकार को नहीं पता कि उनके पास में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ से TET पास करके बैठे हुए हैं? और सरकार ने हाल ही में TET को आजीवन भी कर दिया है, तो 2011 से लेकर जो भी 2022 तक के होंगे सभी यहाँ से शिक्षक भर्ती में आवेदन के लिए योग्य होंगे। तो सरकार की रणनीति होती है जिसको वो आगे बढ़ाते हैं, भले ही यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति के लिए भर्ती के विज्ञापन जारी होंगे, लेकिन भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और आप लोग इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चित रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। अब सवाल सबसे बड़ा ये भी देखने के लिए मिल रहा था कि यहाँ से जो सुपर TET का विज्ञापन होगा क्या BEd के फैसले से पहले हो जाएगा, क्योंकि BEd बनाम BTC को लेकर फैसला नहीं हो पा रहा है, बार बार तारीख पर तारीख लग रही है। अब इसको लेकर हम यही कह सकते हैं कि BEd को लेकर ज़्यादा कुछ होगा नहीं, 2-3 सुनवाइयाँ होंगी, लेकिन वो सुनवाई अभी तक हुई नहीं है। जब जब 5 मिनट के बाद डेट लग जाती तो उसको हम सुनवाई नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सुनवाई होती जहाँ पर 1-2 घंटे के लिए बहस देखने के लिए मिलती है, लेकिन कोर्ट में ऐसा होता भी है, कभी जज नहीं होते तो कभी बेंच बदल जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी है कि BEd को लेकर जो फैसला आने वाला है, अगर सरकार चाहे तो सुपर TET का विज्ञापन BEd के फैसले से पहले भी जारी कर सकती है। जैसा कि आपने केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर देखा, उन्होंने लिख रखा है कि जो BEd वाले अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, चयनित भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो नियुक्ति डिपेंड करेगी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल SLP पर डिपेंड करेगी। मतलब इसका मतलब साफ है कि जो BEd वाले अभ्यर्थियों को लेकर फैसला लगा हुआ है, अगर इसमें समय लगता है और आने वाले 4-5 महीने, जो कि उम्मीद नहीं है कि इतना लगेगा, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि 4-5 महीने अगर इस मामले में लग जाते हैं, तो क्या भर्ती का विज्ञापन जारी होगा? बिल्कुल जारी हो जाएगा और BEd वाले अभ्यर्थी आवेदन भी कर लेंगे। जो भी याचिका के निर्णय आएगा उसके अधीन शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अब निर्णय जो भी होगा वो तो बाद की बात है,
लेकिन बीएड बनाम बीटीसी को लेकर जो मामला होने वाला है उससे पहले सुपर टीईटी का विज्ञापन अवश्य जारी हो सकता है। इसको लेकर ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी क्योंकि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, जैसा कि आपने केवीएस के अंदर भी देखा है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। लगातार अभ्यर्थी एडेड जूनियर के बारे में पूछ रहे थे। कल की तारीख में अभ्यर्थियों के माध्यम से शिक्षा निदेशालय में धरना प्रदर्शन भी दिया गया और वहां पे उन्होंने भर्ती को बढ़ाए जाने की मांग की। अगर बात की जाए अधिकारियों की तो उनका मानना ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए 10 दिसंबर के आसपास शासन के माध्यम से मंजूरी दी जा सकती है। मतलब कि दिसंबर के पहले सप्ताह में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए शासन की तरफ से मंजूरी मिलती है। अगर इससे ज़्यादा का समय लगता है तो हो सकता है कि उसमें कोई विवाद हो या फिर सरकार इस मुद्दे को लेकर फिर बेसिक शिक्षा विभाग के साथ में अधिकारियों के साथ बैठकर बैठक करे और उसके बाद कोई दिशा निर्देश दे। लेकिन जो उम्मीदें मैंने आपको बता दी हैं कि 10 दिसंबर के आसपास इस भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होगी और उसी में निर्धारित किया जा सकता है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर किस प्रकार की आगे का प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से आपको 10 दिन का इंतजार और करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।